हम लोग 90s के दशक में वापस चले जाएंगे, अच्छा ऐसा कुछ है। उसमें जो चीजें यूज की है हमने, हमने जो कपड़े पहने, हमारे जो बालों का हेयर स्टाइल है, और हमारी दाढ़ी तो चलो मैंने रखी नहीं। एक कैरेक्टर का नाम है लकी, जो कि बिल्कुल भी लकी नहीं है। वो बहुत ही जद्दोजहद करता है पैसा कमाने के लिए, इधर इधर हाथ मारता है, उधर हाथ मारता है, लेकिन कहीं पे कुछ लक नहीं हेलो लगता एंड उसको। वेलकम डियर फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स एंटरटेनमेंट। और आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं रोहन गंडोत्रा, जिनको हम लोगों ने डेली सोप में ऑलरेडी देखा हुआ है। अब जल्दी रोहन जैकपॉट में वेब सीरीज में नजर आने वाले हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका नवभारत टाइम्स एंटरटेनमेंट में रोहन। थैंक यू सो मच प्रेरणा, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर, थैंक यू। अच्छा रोहन, जैकपॉट नाम थोड़ा सा अलग है, तो इसमें हमें क्या अलग देखने को मिलेगा? जैकपॉट एक्चुअली नाम अलग नहीं है, नाम मतलब जब हम छोटे थे तो बड़ा फेमस हुआ करता था वो। लॉटरियां निकलती थी, मालामाल वीकली हाँ करके एक फिल्म आई थी, लोगों के जैकपॉट निकलते थे। तो नाम अलग नहीं, लेकिन नाम एक पुराना हो चुका है अभी। सो हमारे शो भी ऐसा ही है, कुछ 90s की स्टोरी है, अर्ली 90s की। एंड व्हेन यू सी द शो, जब शो रिलीज होगा तो उसमें ना बहुत पुरानी, मतलब हम लोग 90s के दशक में वापस चले जाएंगे, अच्छा ऐसा कुछ है। उसमें जो चीजें यूज की है हमने, हमने जो कपड़े पहने, हमारे जो बालों का हेयर स्टाइल है, और हमारी दाढ़ी तो चलो मैंने रखी नहीं, बट द होल लुक ऑफ द शो, द होल लुक ऑफ द एक्टर्स, पूरा हमने 90s का फील बनाया। तो जब मैं शूट भी कर रहा था उसको, तो बड़ा अच्छा, वो नॉस्टैल्जिया फीलिंग आ रही थी कि यार अपना वो पुराने 20-30 साल पहले वापस चले गए हम लोग। जो चीजें अभी डिप्लीट हो चुकी, जो चीजें अभी दिखती नहीं है, लाइक हमारे लैंडलाइन फोन जो होते अच्छा थे, अब तो स्मार्टफोन का जमाना आ गया है। और अभी तो एक बजाज का स्कूटर आया करता था, वेस्पा करके, और एक LML के स्कूटर आया करते, तो उसपे मैं घूमा करता हूँ। सो ऑल ये छोटी मोटी चीजें मिला के एक अच्छा सा, एक प्यारा सा शो बनाया, जो कि मेरी एज की, जो कि जो 90s के किड्स है, उनको बड़ा पसंद आएगा शायद, अगर वो देखेंगे तो। अच्छा, इसमें स्पेसिफिकली आपका क्या रोल होने वाला है? क्योंकि क्योंकि जैसा आपने बताया है कि बैक इन टाइम्स हम लोग जाने वाले हैं, तो एक वही नॉस्टैल्जिया, जैसे आपने अभी बताया कि शूटिंग के दौरान आपको फील हुआ, तो आई एम श्योर ऑडियंस भी वही चीज फील करने वाली है, वो उसी एरा में फिर वो जिएगी, तो ऑब्वियसली बहुत मजा आने वाला है। तो उसमें आपका क्या रोल रहेगा? तो मैं तो मेन किरदार हूँ शो का, एंड मेरे कैरेक्टर का नाम है लकी, जो कि बिल्कुल भी लकी नहीं है। वो बहुत ही जद्दोजहद करता है पैसा कमाने के लिए, इधर इधर हाथ मारता है, उधर हाथ मारता है, लेकिन कहीं पे कुछ लक नहीं लगता उसका। एंड फिर उसको एक जैकपॉट की स्कीम दिखती है कि यार जैकपॉट, अभी छोटा मोटा हाथ नहीं मारना, सीधे जैकपॉट पे हाथ मारना है। तो जैसे आई जस्ट गिव यू अ लिटिल बिट ऑफ द स्टोरी, कि जैसे हमारे बचपन में वो होता था, चिप्स के पैकेट में से टॉय निकलता था, अच्छा, और चीटोज, बूमर आई के स्टिल बूमर रिमेम्बर के चीटोज में वो कुछ ऐसे हाँ टॉय निकलता था। हाँ पोकीमोन के टैजूज निकलते थे, और बूमर के उसमें से कार स्क्रैच करो तो कार कार जीतने का मौका। सो एक ऐसी हमारे शो में एक प्लान है कि हमें एक बहुत एक प्रोडक्ट के बहुत सारी चीजें मैं खरीद के लेके आता हूँ, एक उस इस उम्मीद में कि उसके अंदर से जैकपॉट निकलेगा। और जब वो नहीं निकलता, तो मैं कैसे टिकड़म लगा के, फर्जी चीजें करके, उस जैकपॉट को मैं नकली बना के, असली नकली को असली बना के कैसे आगे बढ़ता हूँ। तो ये पूरी स्टोरी है। एंड वही है, हम लोग बैठे हुए स्क्रैच कर करे जा रहे कि अभी निकलेगा नाम, अभी निकलेगा नाम, लेकिन कभी कुछ नहीं निकलता। सो इट्स अ फनी शो, मेरे कैरेक्टर को लेकर सब फनी है, छोड़ के मेरे कैरेक्टर को छोड़ के सब फनी, क्योंकि मैं सीरियस हूँ कि मुझे पैसा कमाना है, बाकी सब मेरी उंगली, मेरे अंदर उंगली कर रहे हैं कि भाई तू ही ऐसे कर, तू वैसे कर, तू अच्छा वैसे कर, सबके अलग अलग आइडिया। तो ऐसा कुछ है। तो इट्स गोना बी अ फन शो, इवन वाइल शूटिंग, जो हम लोग हमने लखनऊ में शूट किया पूरा, तो लखनऊ का अपना ही ओल्ड वर्ल्ड चार्म है। वहाँ पे अभी भी जाओ तो लगता है कि काफी पुरानी, पुराने पुराने मस्जिद, फोर्ट्स है, पुरानी मस्जिद है, लोग भी काफी पुराने ही दिखते हैं मुझे वहाँ पे। बट अभी तो लखनऊ काफी अच्छा हो गया, बट हाँ वो एक ओल्ड लखनऊ में वो चार्म मिलता है आपको, तो हमने वहीं पे शूट किया है। एंड गुड फन, एंड जब भी आएगा तो आई होप इट गेट्स कनेक्टेड टू द ऑडियंस। अच्छा ये रोल आपको कैसे मिला? रोल एक्चुअली वन ऑफ माई फ्रेंड, जो एक बालाजी में क्रिएटिव डायरेक्टर रह चुके पहले, ही हैज कॉन्टेक्टेड मी कि यार एक ऐसा शो बना रहे हैं, 8 एपिसोड का है, इसमें यू आर फिटिंग द बिल। मतलब मेरी उससे कुछ काफी सालों से बात भी नहीं होती, आई वुड से कि मैं 1-2 साल से पहले बात भी नहीं हुई थी, बट पता नहीं उसको कहाँ से मेरा ध्यान आया। इसका कोई ऑडिशन नहीं दिया मैंने, कोई कुछ नहीं हुआ, बट आई वॉज समहाउ फिटिंग इन टू द बिल कि यार मैं बहुत ही बेचारा लग रहा हूँ। पता नहीं क्यों, कि बहुत जिसकी हर जगह से बजी पड़ी है,
कहीं कहीं पे भी कुछ कर रहा है तो वो या तो वो बिजनेस बंद हो जाता है, या कहीं पे जॉब करता है तो वो नो कंपनी बंद हो जाती है। तो पता नहीं वो बेचारापन इनको दिखाना था। एंड मेरा जो लुक भी है वो बाल थोड़े लंबे हैं, साइड पार्टिंग है और बिल्कुल क्लीन शेवन है, तो वैसा एक बेचारा सा लड़का जो हर जगह से धक्के खा रहा है, उसको एक थोड़क मस्ती के मुझे जैकवर्ड बना, जैकवर्ड के लिए पीछे भागना, तो ऐसा कुछ रोल मिला। ऐसा कुछ मैंने ऑडिशन नहीं दिया या कुछ मैं नहीं कहूंगा, बट हाँ इट गॉट कनेक्टेड, मेरी उसने कोई फोटो देखी होगी, कुछ ऐसा कुछ हुआ, एंड आई गॉट कनेक्टेड विद द प्रोड्यूसर, दे एक्सप्लेन मी द स्टोरी, आई लाइक इट एंड आई वेंट अहेड विद इट। अच्छा रोहन, जैसे आपने बताया कि पूरा 90s का उसमें थीम है, पूरा 90s का फन है, पूरा 90s का नॉस्टैल्जिया हमें उसमें देखने को मिलेगा। तो शूटिंग के दौरान भी आपने ऑब्वियसली वो सारे लम्हे जिए, तो शूटिंग के टाइम का आई एम श्योर बहुत अच्छा आपका एक्सपीरियंस रहा होगा, अगर आप कुछ ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहें। यार ऑन स्क्रीन तो एक्सपीरियंस अच्छा रहा ही है, बट मैं ऑफ स्क्रीन का एक्सपीरियंस बताना चाहूंगा, क्योंकि लखनऊ में कुछ 1-2 साल, 2-3 साल बाद गया, तो जो पहले दिन का शूटिंग था और आखिरी दिन की शूटिंग में मेरे फेस में कम से कम फर्क होगा, बिकॉज हम रोज कुछ बिरयानियां खा रहे हैं, कुछ कचौड़ी खा रहे हैं, कुछ क्या खा रहे हैं लखनऊ की गलियों में, अच्छा तो मेरे पहले दिन की शूटिंग में और 12वें दिन की शूटिंग में वो फेस डिफरेंस नजर आ रहा है, क्योंकि क्योंकि हम शूटिंग करते थे, हमको वर्कआउट का टाइम नहीं मिलता था, एंड और वो खाना ऐसा होता था कि उसको रेजिस्ट नहीं कर पाते। तो वो एक वो जो मैंने मैंने लखनऊ की कोई गली नहीं छोड़ी, कोई कोई बिरयानी वाला नहीं छोड़ा, लंच में अलग अलग जगह से बिरयानी आती, रात को अलग जगह से कुछ आता है, सुबह के खाने नाश्ता कुछ अलग हो रहा है। सो ये सब जो एक्सपीरियंस है, आई थिंक नेक्स्ट शो में मुझे ध्यान रखना पड़ेगा, कोई भी एग्जॉटिक लोकेशन हो, लखनऊ जैसा है, दिल्ली जैसा है, कुछ भी, वहां पर खाने से मुझे दूर रहने, क्योंकि अगर मैंने शुरू किया तो फिर मैं रुकूंगा नहीं, क्योंकि शूटिंग में मुझे वही सेम फेस दिखाना है, मेरे पहले एपिसोड में बारे लास्ट के एपिसोड में बहुत फर्क दिख रहेगा, नहीं तो मुझे तो अच्छा दिख रहा है, पता नहीं लोगों को, विजिबल पता है, नहीं नहीं लोगों को अपने देख आप रहे को थे कि ज्यादा वो अच्छे से पता चलता है, बट वो ऑडियंस देखेगी कि सच में फर्क है या नहीं। ऑडियंस को, आई होप ऑडियंस को ना पता लगे, क्योंकि हम तो अब सबसे बड़े क्रिटिक होते हैं अपने खुद के, तो हमको पता लग रहा है। तो ये एक्सपीरियंस, एंड यस एज आई टोल्ड यू अबाउट द शूटिंग एक्सपीरियंस, हमने जो मेरा घर दिखाया, जो लकी का घर दिखाया है, वो मुल्क फिल्म की शूटिंग हुई थी वहां पे, फिर रिमेम्बर ऋषि कपूर का जो घर दिखाया, तो उसी घर में हमने शूट किया है। अब बहुत ही अच्छा सा चौबारा है, चारपाई में बैठ के खाना खा रहे हैं वहां पे, उस 90 में तो कुछ ऐसा वो फोन वोन भी नहीं होते, क्योंकि आजकल के जमाने में सब लोग फोन देखते खाना खाते, उस समय चारपाई बैठ के हम लोग, माँ मेरी जो मॉम प्ले करे, मेरे डैड जो प्ले करे, सब लोग साथ बैठ के खाना खा रहे, बनियान पहन के, छोटा छोटा सा अंडरवेयर पहन, सो ऑल दीज गुड गुड मोमेंट्स आई हैड, एंड मेरी कुछ BTS पिक्चर्स भी है, विच आई विल पोस्ट ऑन माई इंस्टाग्राम, जिसमें मैं बाहर गली में खड़े होकर ब्रश कर रहा हूँ पूरी दुनिया को देखते हुए। सो ऑल दीज जो हम आजकल की दुनिया में, आजकल के टाइम में शर्माते हैं कि यार ब्रश करना तो वॉशरूम से बाहर निकल के भी नहीं करना, लेकिन मैं वो खड़े छत पे बैठ के ब्रश कर रहा हूँ, तो सामने से लड़की जाती है, उधर से उसके इसके ऊपर कुल्ला कर रहा हूँ, सो ऑल दीज फन मोमेंट्स आई हैड, तो ये छोटे अच्छा छोटे मोमेंट्स शूटिंग वो के अच्छे दौरान कैप्चर किए। ऐसा, हाँ शूटिंग के दौरान भी ऐसा बहुत बार हुआ होगा कि आपको लगा होगा कि 90s में जो हम लोग करते थे वही इस वेब शो में भी देखने को मिलेगा, तो कुछ ऐसा कि आपको लगा हो कि अरे तो एग्जैक्टली मैंने भी किया था अपने टाइम में, और अब मैं ऑडियंस के सामने भी वही चीज परोसने वाला हूँ। यार मैं बचपन में कंचे बहुत खेलता था, जो अच्छा अभी भी गायब हो चुके, तो एक सीन हमने खेला जिसमें हम कंचे खेल रहे हैं, जो मैं और मेरा दोस्त, जो जो मेरा दोस्त का कैरेक्टर प्ले कर रहा है, कंचे खेल रहे हैं, फिर उसके बाद हम कैरम खेलने जाते हैं, कैरम तो चलो अभी भी थोड़ा बहुत लोग दिख जाते, लेकिन कंचे नहीं दिखते, तो एक ये सीन जो कंचे वाला सीन है, वो आई होप वो एडिट पे ना कट जाए, बट हाँ ये सीन मैंने जो किया तो मुझे 100% श्योर है वो उससे कनेक्ट होके लोग प्रॉपरली उस एरा में जाने वाले। अच्छा आपने डेली सोप में काम किया है और अब वेब शो में आपने किया, शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है, ऑब्वियसली ये तैयार है रिलीज के लिए भी, तो सेट का माहौल कितना अलग होता है ऐसे में? सी डेली सोप मोस्टली एक प्रॉपर सेट में होता है, वी हैव टू गो देयर एवरी डे, हम लोग अपना 12 घंटा 13 घंटा शूट करते हैं, एक घर की स्टोरी होती है, घर के हार्डली हम लोग आउटडोर जाते शूट करने के लिए, बट वेब शो में मोस्टली ऐसा होता है कि हम लोग बाहर ही शूट कर रहे हैं, कभी आज इस दिन, आज उस दिन, कल उस दिन, ऐसा चलता रहता है, प्लस जो शूटिंग का तरीका है वो अलग होता है, क्योंकि अगर हम मैं अगर टेक्निकली बात करूँ, डेली सोप में अगर हम एक फ्रेम सेट करते हैं तो एक वाइड एंगल होता है, एक क्लोज शॉट होता है, लेकिन जो मैंने वेब शो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो मोस्टली एक शॉट में पूरा सीन निकाल देते हैं,
मतलब एक बार कैमरा शुरू हुआ उधर ही मूवमेंट एक्टर्स की होगी, कैमरा आपके साथ साथ मूव करेगा और पूरा सीन निकल देगा। डेली सोप में आपका एक एक वाइड एंगल होगा, एक क्लोज एंगल होगा, इसका कट होगा, उसका कट होगा, तो अलग अलग कट्स में एक सीन बनता है। तो टेक्निकली वेब शो एंड डेली सोप्स आर डिफरेंट। एक्टिंग वाइज येस इज द सेम, वी गिव आर 100%, इसमें भी देते हैं उसमें भी देते हैं, एज एक्टर वी हैव टू गिव आर 100%। हाँ बट शूटिंग का तरीका थोड़ा मजेदार है वेब शो में आई वुड से, क्योंकि हमारे पास टाइम ज्यादा होते हैं, एक डेडलाइन नहीं होती कि हमको आज इतने सीन करने ही करने जो कि कल टेलीकास्ट होने, तो एक एक टाइम साथ में होता है हमारे और हम अच्छे से परफॉर्म उसको कर पाते हैं। अगर बाई चांस एक सीन में गलत एक्टिंग हो गई या मजा नहीं आया तो वी हैव टाइम टू मतलब अच्छे से दोबारा करने परफॉर्म रीटेक करने का का, टाइम मिलता है तो मतलब। ये हाँ डेली शो में जो नहीं मिलता। अच्छा, ओटीटी कंटेंट आपको किस तरीके का पसंद है? सिंस आप ओटीटी पे आ रहे हैं, ओटीटी का जमाना है, अब बहुत सारी ऑडियंस ऐसी है कि सिर्फ ओटीटी पे ही ज्यादा चीजें देखना पसंद करती है, आपको किस तरीके का ओटीटी कंटेंट पसंद? सी व्हेन द ओटीटी एरा स्टार्टेड तब मुझे ना बड़ा थ्रिलर मर्डर मिस्ट्री बड़ा पसंद था, लेकिन अभी उसका ना ओवरडोज हो चुका है, हर बंदा मर्डर कर रहा है, हर बंदा उसके पुलिस उसके पीछे भाग रही है, तो अभी मेरे लिए वो पीछे हो चुका है। मुझे वैसा कंटेंट पसंद जो कि रियल लगे, लाइक पंचायत इज वन ऑफ माई फेवरेट शोज इन अमेजोन प्राइम, कि वो रियल लगता है, वो रियल कैरेक्टर्स लगते हैं, वही गाँव की स्टोरी, ऐसे इजी गोइंग जो शो होते हैं जिसमें चल रही है स्टोरी, एक बंदा छज्जे पे बैठा हुआ है, उधर एक लव स्टोरी चल रही है, इसका इसका फोन नहीं चल रहा तो वो ऑफिस जा रहा है, तो ये छोटे मोटे इजी मतलब लोगों के लाइफ में ज्यादा टेंशन नहीं, वैसे वाली स्टोरी जो है मुझे ज्यादा पसंद। पंचायत में एक वैसा ही दिखाया गया उनको, इजी लाइफ के, उनकी 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 मुश्किलें भी मतलब ऐसी है कि मेरा फोन नहीं चल रहा, मेरा मेरा और मेरा 2,000 रुपये बिल आ गया, और सिटी लाइफ की अगर मुश्किलों की बात करें कि 500 करोड़ का नुकसान हो गया, उसने उसका मर्डर कर दिया, तो जो गाँव की जो स्टोरीज होती है ना जो कि इजी लाइफ इजी मुश्किलें, मुझे वैसा कॉन्टेंट पसंद है। अच्छा रोहन, आपसे आखिरी सवाल मैं ये लेना चाहूंगी कि आजकल बहुत सारे वेब सीरीज आ रहे हैं, ऑडियंस ओटीटी पर रुक कर रही है, ऑडियंस ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देखना पसंद करती है, तो ऐसे में ऑप्शंस बहुत सारे हो गए हैं, तो जैकपॉट क्यों देखना चाहिए ऑडियंस को? सी सबसे बड़ा रीजन ये है कि वो आज का शो नहीं है, वो आप देखोगे आपको लगेगा आप 30 साल पहले का शो देख रहे हो, दिस इज द वन ऑफ द मेन रीजन। सेकेंडली आई वुड आस्क, मेरा भी थोड़ा काफी गैप के बाद एक वेब शो आ रहा है, तो इवन आई वुड आस्क माई फैंस एंड फॉलोअर्स टू वॉच दिस शो। एंड ये शो ना पता नहीं इसका मार्केटिंग कैसा होगा नहीं होगा, बट आई एम श्योर इट्स गोना बी द वर्ड ऑफ माउथ, क्योंकि वंस द शो विल बी रिलीज एंड पीपल हु विल वॉच इट दे विल श्योरली रिकमेंड इट, वो आगे रिकमेंड जरूर करेंगे। और एक जो एक बार उसका एक टैगलाइन पता लग जाएगा कि हम लोग 90s के एरा में जा रहे हैं, तो सब लोग उस पर देखना चाहेंगे, क्योंकि आजकल बहुत कम देखने को मिलता है हमारा, एक हार्डली जो आज के शोज आ रहे हैं या फिर सुपर हीरो शोज बन रहे हैं, मर्डर मिस्ट्री बन रही है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इट्स अ प्रॉपर फैमिली शो, वी कैन ऑल वॉच इट, इट्स अ फनी शो एंड इट्स अ इजी गोइंग शो। मतलब आपको आपका ऐसा है कि आप थके हुए ऑफिस से आए, यू वॉन्ट टू वॉच समथिंग हल्का लाइट, यू कैन स्विच ऑन द टीवी एंड वॉच इट, यू डोंट हैव टू फैमिली बी के पुट आवर साथ ब्रेन देख की अरे सकते हो आपको, अच्छे से। हाँ फैमिली के साथ देख सकते, ऐसा नहीं कि आपको दिमाग लगाना पड़ेगा हे इसका मर्डर हो गया, इसने उसका खून कर दिया, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छा शो है, बहुत इजी गोइंग शो है, कोई गाली गलौज नहीं है जो कि ओटीटी में बहुत कॉमन है, कोई इंटीमेट सीन्स नहीं है, इट्स अ फन शो, यू विल लाफ विद इट एंड यू विल एंजॉय विद इट, आई विल और श्योर, आई एम इनफैक्ट श्योर मैं अबाउट इट। 90s किड्स जो है, 90s के जो किड्स हैं उनसे गुजारिश करूंगी कि वो ये शो जाके जरूर देखें। आई एम श्योर, जैसा अभी मेरे को रोहन से बात करते करते बहुत सारी चीजें रियलाइज हुई कि हाँ भाई ऐसा भी होता था और ऐसे कम शोज बनते हैं, तो आई एम श्योर उनको भी वो नॉस्टैल्जिया फील जरूर होने वाला है। मैं आप सभी से गुजारिश करूंगी कि जाके बहुत सारा प्यार दीजिए और जरूर इस शो को थैंक देखिए। रोहन, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर जैकपॉट।